नमस्कार सान भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान, आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 हमें इंदौर चौतरा मंडी में। किसान भाई, सबसे पहले इस साल हम देख रहे हैं साइज लहसुन की छोटी रह गई है, बारीक रह गई है। इसके दो कारण तो वैसे पता ही हमको, एक कारण तो ये है कि इस बार थोड़ा सा मौसम का साथ कम मिला, और दूसरी चीज़ खेत में भी थोड़ी जान या कह सकते खेत में थोड़ी ताकत होनी चाहिए जब ही लहसुन की साइज बनेगी। पर जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, अब वो आप आगे देखिए और समझिएगा। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मंडी में लहसुन 15,000 भी बिक रही है, 20,000 बिक रही है, तो मात्र 5 से 7,000 भी लहसुन बिक रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है लहसुन की सही तरीके से बुवाई होना। तो आज आए हम टीके एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पे, जो कि भैया है हमारे साथ। भैया, सबसे बड़ा कारण क्या है इस टेक्नोलॉजी का? ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, इसका कारण भैया बताएंगे कि इससे बुवाई अच्छी कैसे होती है। देखिए, लहसुन बुवाई का जो प्रिंसिपल मेथड है वो है उसकी दूरी। सही और निर्धारित दूरी पे अगर आप लहसुन को बोते हैं तो उस वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनती है। जैसे 4 इंच बाय 4 इंच के गाले में अगर आपने लहसुन बोई, बीच से बीच की दूरी भी 4 इंच हुई और क्यारी से क्यारी की दूरी भी 4 इंच हुई, तो जो लहसुन का बीज जो अंकुरित होगा वो सही शेप में होगा और उसका रेट आपको बहुत अच्छा आएगा। जी ठीक है, सबसे बड़ी बात लहसुन की वही है, इसकी दूरी, लहसुन से लहसुन की दूरी, मतलब कली से कली की दूरी और चौड़ाई, इसे बराबर परफेक्टली पड़ती है जब ही लहसुन की साइज अच्छी बनती है। तो किसान भाइयों, आज आए हम टीके एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पे, जो कि इंदौर में है, हमारा जो इंडस्ट्री एरिया सांवेर रोड पे। आप यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप अभी कॉल कीजिए और देखिए मशीन कैसी है, क्या टेक्नोलॉजी मशीन में है। दोपहर बाद के बाजार से पहले हम बात कर ले अवकाश सूचना की। तो कल किसान भाइयों रामनवमी के महापर्व पर इंदौर मंडी में अवकाश रहेगा, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बात कर किसान भाई आज के हम दोपहर बाद के बाजार की, तो सुबह देखा था हमने अच्छे मालों में थोड़ी सी पकड़ देखने को मिली थी। देखिए, एक चीज़ क्या होती है, सुबह जब वीडियो बनता है हो सकता है कि अच्छे लाटों की थोड़ी बहुत कमी हो, और आप देखेंगे ना तो 50 से 70% माल हल्का ही अभी आ रहा है, बाकी अच्छा माल की कह सकते हैं बहुत कमी देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ देखिएगा आप, ऊपर में हमने 14,000 से 14,500 तक सुबह बाजार देखा था, दोपहर बाद अच्छे लाटों की आवक है, मतलब कह सकते हैं अच्छे लॉट बड़े हैं, तो आप देखेंगे ऊपर में तो 17,100 रुपये तक भी किसान भाइयों लहसुन बिकी है। तो कह सकते हैं, देखिए पहले लहसुन 20,000 बिकी ऊपर में, जो बहुत सुपर लहसुन थी, बीच बीच में थोड़ा बहुत कम मार्केट या अच्छा खासा बाजार कम होके हमने देखा था कि 15-16 ही बिक रही थी, पर आज थोड़ी सी कह सकते हैं और तेज़ी हमें देखने को मिली है। 17,000 से 17,500 तक किसान भाइयों लहसुन बिकते हुए नज़र आई है। पर एक ये ही है कि लहसुन जो स्टॉक वाली लहसुन में, मैं बहुत सी बार आपको कह चुका हूँ फिर भी, स्टॉक वाली लहसुन में कह सकते हैं 500-700 रुपये कोई देखता ही नहीं है, 500-700 रुपये कह सकते हैं, इतना तो बोले ही खींच देते। तो कह सकते हैं मार्केट आज का भी अच्छा देखने को मिला है, कह सकते हैं सुबह से अभी तक फिर मोटा मोटा आवक के कम होने के कारण 1,000 रुपये तक आप टाइट मान सकते हैं, बाकी मार्केट अच्छा देखने को मिला है और ले वाले भी बढ़िया है। तो चलिए देख लेते हैं आज के लहसुन के भाव क्वालिटी के साथ। यहाँ देखिए आज दिनांक है 16 अप्रैल का, कह सकते हैं सबसे टॉप रेट 17,100 रुपये क्विंटल बिकी है। साइज बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अल्टीमेट फुल गोला साइज, डबल बम साइज का माल, वाइटनेस, फिनिशिंग, पर्दा सब जोरदार इसमें। देखिए देखिए क्वालिटी लाजवाब है, देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी है। सर कितना कट्टा लेके आया था आज? 5 कट्टा। वैरायटी कौन सी है सर? जो लहसुन में अपनी काली पड़ने की समस्या तो नहीं है, घर पे भी कहीं भी दिक्कत नहीं है? अच्छा, पानी वगैरह गिरियो अपना ही, कल गिरियो पानी। प्याज में कितना टाइम लगेगा निकलने में? हाँ, 8-1 दिन लग ही जाएगा। ठीक है सर, देखिए बिल में भाव देख सकते हो 15,600 रुपये क्विंटल बिकी है। देखिए क्वालिटी बहुत बढ़िया है, साइज भी देखिए आप, इसमें डबल रूम साइज का माल है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा माल मीडियम लड्डू साइज का माल आपको देखने को मिलेगा, बाकी वाइटनेस फिनिशिंग अच्छी देखने को इसमें मिल रही है। देखिए आप क्वालिटी अच्छी है, वाइटनेस फिनिशिंग में अच्छी है, बाकी साइज थोड़ी सी जरूर मीडियम लड्डू देखने को इसमें मिल रही है। सर कितना कट्टा लेके आया था आज?
23 कट्टे ये जो 15600 बिकी या 15500 23 कट्टा ये वैरायटी कौन सी है अपनी तुलसा वैरायटी है अच्छा रेणु का साहब अपनो आस्था उरड़े रुकते अच्छा आस्था सीहोर साइड अच्छा तो अपना ये पानी गिरियो कल कल हाँ कुछ थोड़ा बहुत गिरा है कुछ जगह की थोड़ा बहुत गिरा है अच्छा प्याज निकलने में तो टाइम लगेगा और अपने 10 से 12 दिन अच्छा और लहसुन रखी है अपना कने अच्छा रखिए चलो जय श्री राम जय श्री राम देखिए बिल में भाव देख सकते हो 16020 रुपए क्विंटल बिकी है साइज देखिए आप बहुत बढ़िया साइज का माल इसमें आपको देखने को मिल रहा है देखिए इस तरह का फुल गोला बम और डबल बम साइज का माल आपको नजर आएगा देखिए साइज कह सकते हैं बिल्कुल लाजवाब है देखिए सब चीज अच्छी है पर देखिए इतने भाव के बाद भी बिकने के बाद भी एक चीज आप देखिएगा इसमें इतनी अच्छी लहसुन है उसके बाद भी ये थोड़ी बहुत जो कालेपन वाली समस्या है इसमें भी है ये इसी कारण से बिक भी रही है देखिए आपको हर दाना इसमें थोड़ी सी लग रहा ज्यादा ही है देखिए 16,000 रुपए के ऊपर बिकी है फिर भी आप देखिए कंडीशन इसमें ये है देखिए ये देखिए आप सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की लहसुन जो बहुत मोटी साइज की है उसमें भी कह सकते हैं दिक्कतें आ रही है देखिए आपको नजर आएगी इसमें हल्का सा पिलासपन है ये मरने लग जाएगी अब देखिए ये पहुंची हो गई इसमें अभी से तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आपके घर पर भी लहसुन मोटी साइज की है तो भी विशेष ध्यान रखिएगा दादा कितना कट्टा लेके आया था आज 24 कट्टा भाऊ जी लहसुन अपनी काली पड़ी रही है घर पे और रखी लहसुन अपना ने 5 कट्टी 20 ही रखी गई तो भाऊ जी को आप ध्यान रख जो ये लहसुन आप ज्यादा टाइम के लिए रखोगा तो आपके दिक्कत आ सकती है भाऊ जी हवा में रखोगा नहीं तो फिर दांतरी हो जाएगी वाह मतलब आप धूप में रख दोगे नहीं तो दांतरी हो जाएगी फिर ध्यान रखो थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी इसमें कालापन की समस्या है तो आप आपके कहीं बीज में नुकसान नहीं होगा 100 किलो में हाँ यह बात तो है सब दूर खराब हो रही है चलो ठीक है यहाँ देखिए लहसुन की क्वालिटी जो कि 14,720 रुपये क्विंटल बिकी है देखिए अब साइज बढ़िया है क्वालिटी ठीक ठाक है वाइटनेस अच्छी है पर थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आपको हल्की देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत बाकी तो ठीक ठाक क्वालिटी है देखिए आप साइज की बात कर ले तो फुल मीडियम और थोड़ा बहुत लड्डू हल्का फुल्का देखने को मिलेगा आपको आप देख सकते क्वालिटी 14,720 रुपये क्विंटल बिका आज आप देख सकते क्वालिटी यहाँ देखिए लहसुन की क्वालिटी G2 वैरायटी है 13,650 रुपये क्विंटल बिकी थोड़ी बहुत देखिए इसमें समस्या हल्की फुल्की कालेपन वाली है बाकी क्वालिटी ठीक ठाक है अच्छी क्वालिटी है देखिए आप साइज की बात करें थोड़ा बहुत लड्डू पैटर्न का माल भी इसमें आपको नजर आएगा देखिए G2 वैरायटी है 13,650 रुपये क्विंटल बिकी आज दा कितना कट्टा लेके आया था आज अभी 3 कट्टा लेके आया वो कितना रखा है घर पे 25 कट्टा और ये लहसुन जो काली पड़ी रही अपनी इसी जो घर में समस्या है कि या नहीं है अच्छा ढेर लगा दिया अच्छा ढेर लगा दिया उस कारण मतलब गीली के कारण हो गई है अच्छा अपने गांव में लहसुन कितनी बची होगी आपका हिसाब से मतलब कितना परसेंट माल माना बच्चे हो गाँव में 75% माल बाकी है अभी मतलब अच्छो खासो रखियो गाँव में दब प्याज निकलने में कितना टाइम लगेगा प्याज निकलने में 10 से 15 दिन लगेगा 10 से 15 रोज निकलेगा लगेगा मतलब पानी गिरियो कल अपना पानी गिरियो ज्यादा या कम अंदाज में गिरे ज्यादा नहीं ठीक गिरियो अच्छा कारण हो अपनो रेना जलेरिया जलेरिया कौन सा जिला में गयो देवास जिला ठीक है यहाँ देखिए लहसुन की क्वालिटी जो कि 9,500 रुपये क्विंटल बिकी है 95 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देखिए साइज की बात कर ले तो लड्डू और थोड़ा बहुत इस तरह का मीडियम मोटी साइज का माल भी देखने को मिला है माल सूखा है पर थोड़ा बहुत इसमें आपको माल दातर क्वालिटी का नजर आएगा देखिए आप क्वालिटी 9,500 रुपये क्विंटल बिकी आज यहाँ देखिए लहसुन की क्वालिटी जो कि आज 13,610 रुपये क्विंटल बिकी है देखिए आप साइज बढ़िया है पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसमें पोंचा लहसुन आपको देखने को मिलेगा हल्का फुल्का है ज़्यादा नहीं है देखिए आप क्वालिटी
बाकी वाइटनेस वगैरह इसमें अच्छी देखने को मिली। देखिए देखिए कुछ दाना हल्का फुल्का जो देखिए ये समस्या है सबसे बड़ी इसमें, जो काला पड़ने की दिक्कत आ रही है। बाबूजी कितना कट्टा लिखा है आज? 14 कट्टा। बाबूजी वैरायटी कौन सी अपनी है? ऑमलेट है। तो लहसुन काले पड़ने की समस्या है वो अपनाया है या नहीं है? नहीं है। कहीं दिक्कत नहीं आता? तो प्याज में कितना टाइम लगे निकलने में? प्याज चालू हुई हो? कल पानी गिरियो अपने शाम के? कल नहीं गिरियो? कारण अपनो था जिलो कौन सा अपनो? देवास जिला। ठीक है, यहाँ देखिए लहसुन की क्वालिटी जो कि 6,005 रुपये क्विंटल बिकी है। देखिए पूरी साइज का माल इसमें, बाकी थोड़ा बहुत मीडियम लड्डू से कह सकते हैं, बाकी ज़्यादातर माल इसमें पूरी साइज का माल आपको नजर आएगा। देखिए आप क्वालिटी, बाकी वाइटनेस वगैरह इसमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। देखिए 6,005 रुपये क्विंटल बिकी है। तो कितना कट्टा लिखा है आज? 5 कट्टा। अपना और लहसुन पड़ी है बड़ी वाली या बेची दी है? रखी है। अच्छा कल पानी गिरियो अपना ही? कल नहीं गिरियो। प्याज में कितना टाइम लगे वो निकलने में? एक महीना तो लगी जाए वो। चलो भाव जी आज अपन कहीं लेके आया था? कई भाव बिकी आज अपने लहसुन? 12,700। कितना कट्टा लाया था भाव जी? 19 कट्टा। वेराइटी कौन सी अपनी? अमलेटा। भाव जी काली पड़ने की शिकायत तो नहीं है अपने लहसुन में? नहीं है। प्याज वगैरह में कितना टाइम लगी रही अभी? चालू हुई गया है, 15-20 दिन में वो चालू हो जाएगा। अच्छा भाजी अपन कहीं लेके आया था? कितना कट्टा लाया था? 17 कट्टा। वेराइटी कौन सी लाया अपना? अमरेट। कई भाव भी की आज? 1,300। मतलब क्वालिटी अच्छी थी आपकी, अपने को दिक्कत तो नहीं? काली पड़ने की समस्या तो कहीं नहीं है? चलो ठीक है भाजी।